वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय हीरोज हेल्थ। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी दवाइयों का सेवन जरूर किया है, लेकिन दोस्तों आप जानते भी नहीं होंगे कि ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए हमारे शरीर में जो समस्या है या कहीं भी दर्द है उस दर्द को तो ठीक कर देती हैं, लेकिन हमारे शरीर के बाकी भागों को प्रभावित करती हैं और हमारे शरीर में विष पैदा कर देती हैं। जैसे कि यदि हम एक लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करते हैं और ज़्यादा हाई पावर की दवाइयां हैं तो ये दवाइयां सीधे हमारे लीवर को प्रभावित करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गरेवाल आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर ही घरेलू नुस्खे से आपके शरीर में जो दवाइयों के द्वारा विष पैदा है या फिर जो भी किसी प्रकार का गलत प्रभाव दवाइयों के द्वारा आपके शरीर पर है उसे कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आप बात करते हैं नुस्खे के बारे में। दोस्तों, आपने गुल्लर के बारे में सुना होगा। आपके आसपास या तो गुल्लर का पेड़ मिल जाएगा, नहीं तो आप पंसारी की दुकान से गुल्लर के पत्ते ले सकते हैं। आप गुल्लर के पत्ते लें, रात के समय इन पत्तों को पानी में भिगो कर रखें, सुबह उठकर इस पानी का सेवन करें। दोस्तों ध्यान रखें, आप आधे कप से ज़्यादा इस पानी का सेवन ना करें और 15 से 20 दिन में एक बार ही इसका सेवन करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घूंट इस पानी की पिए बस। दोस्तों, यदि आपने ज़्यादा दवाइयाँ ले रखी हैं तो आप महीने में 2 बार इस पानी का सेवन करें, अदरवाइज आप एक बार ही इसका सेवन करें और 1 या 2 महीने बाद फिर से आप एक बार इस पानी का सेवन करें, लेकिन आप 2 या 3 घूंट से ज़्यादा इस पानी का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आप एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं, आपके शरीर में किसी प्रकार का भी दवाइयों के द्वारा उत्पन्न विष है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको आपके परिवार में या फिर कहीं भी किसी को भी स्लिप डिस्क, सर्वाइकल बैक पेन या फिर जॉइंट पेन से जुड़ी समस्या है तो आप एक बार हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करें, हम बिना किसी दवाई के आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।